नमस्कार दोस्तों, मेरे नए व्लॉग में आपका स्वागत है। हमारा आज का व्लॉग बहुत ही इन्फॉर्मेशनल होने वाला है। जी हाँ, क्या आप व्लॉगिंग करके थक चुके हो? क्या आप हार मान चुके हो? व्लॉगिंग मेरी बस की नहीं है, क्या ऐसा सोच आप में आने लग गया है? इसी के कारण हम आज जानेंगे वो 5 कारण कि आप व्लॉगिंग क्यों छोड़ना चाहते हो, या आप ऑलरेडी व्लॉगिंग छोड़ चुके हो। क्षमता या पेशेंस, ये एक पहला कारण है जिसके कारण बहुत सारे नए यूट्यूबर्स यूट्यूबर बनने का सपना ही छोड़ देते हैं। जी हाँ, इन लोगों को जल्दी से सब्सक्राइबर बढ़ाना है, जल्दी से व्यूज़ लेके आना है और जल्दी से पैसा भी कमाना है। देखिए, ये भूल मैं भी कर चुका हूँ और आप भी अभी कर रहे हो, लेकिन मैंने अपने आप को सुधार लिया है और आप भी सुधार सकते हो। बस थोड़ी सी क्षमता की ज़रूरत है, मतलब पेशेंस। ज़रा सोचिए, अगर आप पैदा होते ही पैसा कमाना शुरू कर सकते हो या पैसा कमा सकते हो तो कितना अच्छा होता है कि नहीं? लेकिन ये मुश्किल है, क्योंकि आपको पहले पैदा होते ही पलटना है, फिर उसके बाद रेंगना है, फिर उसके बाद दीवार पकड़ के आपको खड़ा होना है, फिर बड़ा होना है। समझ गए? मतलब एक एक लेवल रहता है जहाँ पे आप खुद एक बचपन बच्चे से लेके आप जो सीख रहे हो एक लेवल रहता है, तो उसके लिए भी टाइम लगता है। अभी आपको उम्र क्या है, अभी आप क्या क्या सीख चुके हो, अगर आप 18 साल के हो या 20 साल के हो या आप 30 साल के हो, मुझे तो हो गया अभी 50 साल, तो 50 साल में मैंने जो सीखा है वह है मेरे एक्सपीरियंस। और आप में भी ये सब चीज़ें हमें पेशेंस ही सिखाता है, तो इसलिए पेशेंस होना या क्षमता होना बहुत ज़रूरी है एक यूट्यूबर बनने के लिए। क्योंकि आप एक नया चैनल जब शुरू करते हो वो एक छोटा सा बच्चा जैसा है, मतलब आप उसको सीख रहे हो या आप खुद बच्चा बन जाते हो, बिकॉज़ ये आपके लिए कुछ नया चीज़ है, तो आपको बहुत कुछ चीज़ें सीखना पड़ता है। जैसे वीडियोग्राफी हो गया, फिर उसके बाद उसको एडिटिंग करना है, फिर उसके बाद आपको यूट्यूब में कैसे पोस्ट करते हैं और एनालिटिक्स देखना है, कौन कौन से कंटेंट डालना है, ऐसे बहुत कुछ चीज़ें होते हैं जो सीखने के लिए मिलता है, तो उसके लिए टाइम लगता है। तो इसलिए क्षमता बहुत इम्पॉर्टेंट है। अगर आपके पास क्षमता नहीं है, इसलिए पहला कारण, दैट्स वन रीज़न दैट इफ़ यू डोंट हैव पेशेंस यू फेल ऑन यूट्यूब। ज़िंदगी में आपको कुछ भी बनना हो तो क्षमता और परिश्रम, परिश्रम के बिना तो कभी कुछ नहीं हो सकता भैया, जब तक आप ट्राई नहीं करेंगे कुछ नहीं हो सकता। और परिश्रम के साथ क्षमता, पेशेंस होना बहुत ज़रूरी है। तो ज़रा ट्राई करके देखिए, शायद हो सकता है यही एक प्रॉब्लम हो आपका कि आप यूट्यूबर नहीं बन पा रहे, सुधारिए। अब हम आते हैं दूसरे कारण पे। सब लोगों को अच्छा लगता है जब उनके वीडियोज़ में हज़ारों कमेंट्स और हज़ारों व्यूज़ और ढेर सारे सब्सक्राइबर जब उनको मिलता है, लेकिन क्या आपने कभी भी ये सोचा है कि ये आपको एक दिन में मिलेगा? नहीं ना, आपको इसके लिए टाइम लगता है। इसलिए क्षमता और परिश्रम, ये दोनों का होना बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो क्षमता और परिश्रम के बाद हमारा दूसरा जो कारण है वो है रैंकिंग। बहुत सारे लोग हैं जो आज वीडियो डाल दिया, एक डाल दिया, दो डाल दिया, हर 5 मिनट के बाद देखना शुरू करते हैं, यार मुझे कितना व्यूज़ आया, कितना सब्सक्राइबर्स आ गए और रैंकिंग मेरा कितना है। इस चीज़ों में वो लोग फंस जाते हैं हमेशा। तो इसमें क्या है, जब तक उनको वो रैंकिंग नहीं मिलता या सब्सक्राइबर काउंट नहीं मिलता या व्यूज़ नहीं मिलते हैं, तो उनको बड़ा अनईजी फील होता है और वो लोग थक जाते हैं और वो लोग अपने आप को सोचते हैं, यार मेरे से नहीं होने वाला ये, तो इसलिए मैं छोड़ देता हूँ। देखिए, आज आपने कुछ डाला हो, 8 बिलियन से ऊपर लोग हैं इस दुनिया में, उन तक पहुंचने के लिए थोड़ा तो टाइम लगेगा भाई। YouTube एल्गोरिदम को आपको पहचानने के लिए थोड़ा तो टाइम लगेगा, तो थोड़ा टाइम दीजिए। और ये हमेशा चेक करना आपके रैंकिंग कितना आ रहा है, आप किसी के आगे या पीछे नहीं जा सकते। आप जहाँ पे रहोगे उसका मतलब ये नहीं कि आप जहाँ पे रहना चाहते हो वहाँ रहोगे, लेकिन अगर आप परिश्रम का डालेंगे तो डेफिनेटली आप आगे जाएंगे, लेकिन आप परिश्रम नहीं डालेंगे डेफिनेटली आप पीछे ही रह जाएंगे। तो इसलिए अगर आपको आगे जाना है रैंकिंग में तो आपको परिश्रम करना पड़ेगा, और उसके साथ साथ आपको पहला वाला जो पॉइंट है, पेशेंस, बहुत ज़रूरत है। तो ये एक वजह हो सकता है कि आप
यूट्यूबर नहीं बन सकते या यूट्यूब छोड़ दिया आपने, क्योंकि आप आपके यूट्यूब वीडियोस बनाने से ज़्यादा या आप काम करने से ज़्यादा यूट्यूब वीडियोस बनाने के लिए काम करने से ज़्यादा आप हमेशा सबसे ज़्यादा काम आप ये कर रहे हो कि आप अपना व्यूज़ कितने हैं हर 5 मिनट में देख रहे हो या सब्सक्राइबर कितना बढ़ गया वो हर 5 मिनट में देख रहे हो। अगर आप ऐसे कर रहे हो तो फिर डेफिनेटली आप हार जाओगे इसमें, तो आप कभी भी यूट्यूबर नहीं बन सकते। देखिए, एक वीडियो बनाने के बाद डाल दीजिए, उसको उधर रहने दीजिए। मैंने ये पहले भी बताया था, हर वीडियो यूट्यूब में एक इन्वेस्टमेंट जैसा रहता है, वो कहीं नहीं जा रहा है। आपको मालूम नहीं है, शायद वो वीडियो आज नहीं चल रहा होगा, लेकिन हो सकता है अगले साल जाके वो ऐसा वायरल होगा या ऐसा हिट होगा या ऐसा व्यूज़ आएगा। वो आपके ऊपर नहीं है, आप बस छोड़ दीजिए उसको, उधर रहने दीजिए और आप अपना काम दिखीजिए जो आपको वीडियोज़ बनाना है, कंटेंट ढूंढना है और उसके ऊपर आपको दिमाग लगाना है कल के लिए, अगले हफ्ते के लिए कौन सा वीडियो बनाऊं। तो बहुत काम है भैया, ये छोटा मोटा काम नहीं है। और अब तीसरा कारण, आप निरंतर रूप से वीडियोस नहीं बनाते हो या अपलोड करते हो, मतलब कंसिस्टेंट नहीं हो आप कंसिस्टेंटली आपका वीडियोस नहीं डालते हो। अगर आप डेली व्लॉग करते हो तो डेली व्लॉग मतलब डेली वीडियोस डालना पड़ेगा आपको। अगर आप हफ्ते में 2 वीडियोस डाल रहे हो तो आपको 2 वीडियोस डालना पड़ेगा आपको। कौन सा टाइम है, कौन सा दिन है, ये सब मायना देता है। मतलब आप अपने आप को कंसिस्टेंट बनाना है इसमें, और एक टाइमिंग का भी एक रूल और रेगुलेशन आपके ऊपर आपको रखना है कि भैया स्ट्रिक्टनेस होना चाहिए कि भैया आप अगर डेली डाल रहे हो तो डेली व्लॉग डालिए। अगर आप हफ्ते में 2 या 3 डाल सकते हो या हफ्ते में 1 भी डाल सकते हो या महीने में 1 डाल सकते हो तो वो भी कर सकते हो आप, लेकिन डालिए ज़रूर। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ इसमें जो है, इवन दो आप कंसिस्टेंटली वीडियोस डाल रहे हो लेकिन आपको व्यूज़ नहीं आ रहा, सब्सक्राइबर नहीं आ रहा, लेकिन फिर भी आपको एक चीज़ फ़ायदा हो रहा है इसमें, क्योंकि आप डेली काम कर रहे हो या हफ्ते में काम कर रहे हो, आप कुछ नया चीज़ सीख रहे हो और उसके कारण आप वीडियो लेना सीख रहे हो, आप वीडियो एडिटिंग करना सीख रहे हो, आप यूट्यूब के बारे में नए नए चीज़ें सीख रहे हो और आप माहिर बन रहे हो यूट्यूब में। लेकिन नहीं, आप तब तक हार जाते हो जब तक आपको पता चलता है कि यार मेरे से नहीं होने वाला और मैं इसको छोड़ देता हूँ, मैं और कोई काम कर लूँगा। ऐसे सोचने वाले कैसे बनेंगे यूट्यूबर फिर, आप ही बताइए। कंसिस्टेंट होने से आपका वीडियोस यूट्यूब का एल्गोरिथम भी आपको प्रमोट करना शुरू कर देता है, क्योंकि आप जब डालते हो तो यूट्यूब का जो SEO है या एल्गोरिथम है वो पहचानना शुरू करता है कि भैया मुझे इधर से आवाज़ आ रही है कि एक वीडियो नया आया हुआ है और कोई इसको ढूंढ रहा है तो डाल दिया। और आजकल AI जो है बहुत ही स्मार्ट है और आपका वीडियो कहीं ना कहीं तो जाके किसी ना किसी के पास जाएगा और वो लोग देखेंगे ज़रूर। इस बार मैं आपको दोषी नहीं ठहराऊंगा, क्योंकि इसमें आपको कोई आइडिया ही नहीं है कि आप व्लॉगिंग कैसे करना है, क्या डालना है, इसी में ही ज़्यादातर लोग फंसी जाते हैं। जैसे मैं भी, मैंने तो बहुत तेज़ी से शुरू किया था, भैया डेली व्लॉग डालूंगा पहले, लेकिन हार गया मैं। ये कुछ 15-20 व्लॉग डाला, उसके बाद मैंने सोचा यार अब क्या होने वाला है, क्या डालूंगा कल मैं। तो जैसे मैंने आपको बताया कि मैं भी हार चुका था, मुझे भी कोई आइडिया आ नहीं रहा था। मैं डेली 15-20 व्लॉग डाल चुका था, लेकिन उसके बाद मैंने बोला यार अब मुझे मालूम नहीं, हर दिन मैं अपना डेली लाइफस्टाइल दिखा रहा हूँ, मैं उठ रहा हूँ, मैं हाथ मुंह धो रहा हूँ, काम पे जा रहा हूँ, ये तो देख के पब्लिक बोर हो जाएंगे, और मैंने उधर ही रोक दिया। इधर ही मेरा सोच और मेरा जो बर्ताव था गलत था, मेरा जो एक्शन था रोकने का वही मैंने गलती किया। लेकिन मैंने अपने आप को सुधारा और मैंने बोला कि भैया वापस शुरू करते हैं, दूसरी बार एक और बार ट्राई करते हैं। और मैंने पहले 27 दिन का चैलेंज लिया कि 27 दिन 27 व्लॉग डालूंगा और देखते हैं आगे जाके क्या होता है। क्योंकि किसी महाशय ने कहा है कि अगर आप 27 दिन कंटिन्यूसली कुछ भी करते हो तो वो एक आदत बन जाता है। तो मैंने वही किया, 27 दिन के बाद 28 हो गया, 28 के बाद 29 हो गया, 30 हो गया और आज ये मेरे 107वां व्लॉग है। ये मैं बहुत सारे व्लॉग में बता चुका हूँ, जब भी मैं एक एक स्टेप आगे जाता हूँ
मैं हर व्लॉग में मैं बताता हूँ ये मेरा इतना वाला व्लॉग है, और मुझे खुद यकीन नहीं हो रहा मैंने ये 107 कंटेंट कहाँ से लेके आया। और मेरा हर वीडियोस में 50 से ऊपर व्यूज़ हैं। मैं ये नहीं बोल रहा कि मेरे पास 5,000 या 10,000 व्यूज़ है, 50 तो है हर वीडियोज़ पे, उससे ज़्यादा ही काफ़ी है, आगे जाके आएगा। मेरे सब्सक्राइबर्स भी गए जो थे, लेकिन नए सब्सक्राइबर्स आने लगे। तो जिन लोगों को ऐसा कंटेंट पसंद है वो लोग आएंगे, वो लोग सब्सक्राइब करेंगे जो कर रहे हैं ऑलरेडी, और देखेंगे भी। तो आप भी ये एक चीज़ मत करना, अगर आप कुछ शुरू किया हो तो रोकना कभी मत, कंटिन्यू रखना। क्योंकि अगर आपको कंटेंट नहीं मिल रहा वो एक एक्सक्यूज़ है, आप ढूंढ सकते हो, आप बस दिमाग नहीं लगा रहे हो, बस इतना ही है। चलिए अब हम आते हैं पांचवा और आखिरी कारण। पांचवा और आखिरी कारण है आप खुद है पांचवा और आखिरी कारण। क्योंकि ये पांचवा और आखिरी कारण, या पहला या चौथा कारण तक, या ये पूरा पांच कारण के कारण ही आप है, हम है, और कोई नहीं हो सकता। मैं बताता हूँ क्यों। हर चीज़ का एक ही कारण बनता है आपके पास। अगर आप यूट्यूबर बनना चाहते हो, या आप ऑलरेडी यूट्यूबर हो, या यूट्यूबर बन के आपने यूट्यूबर बनना ही छोड़ दिया है, कारण मैं बताता हूँ आपके कारण क्या क्या हो सकता है। टाइम नहीं मिल रहा यार, फैमिली अलाउ नहीं कर रहा यार, बहुत मेहनत है यार, मैं तो बर्न आउट हो गया यार, वगैरह वगैरह वगैरह। इसी के कारण आप यूट्यूब छोड़ देते हो। और जो पहला चार कारण बताया था वो भी कारण आप ही बनाते हो। ये सब कारण हम खुद बनाते हैं। अगर हमें कुछ करना है तो हमें आगे बढ़ना है, और हमें कहना है हमारे दिमाग से, हमारे जो सबकॉन्शियस माइंड है, अंदर है एक और बंदा, उसको बोलना है भैया नहीं मुझे करना है। दोस्तों मैं भी इन सभी चीज़ों से गुजर चुका हूँ, लेकिन इस बार मैंने ठान ली है। अभी मुझे ऑलमोस्ट हो गया है ये 3 महीने से ऊपर, और अभी जो व्लॉग चल रहे हैं मेरे हर दिन कुछ ना कुछ, अभी टाइम बच चुका है 9:30, लेकिन अब मैं बैठूँगा इसको एडिट करूँगा, उसके बाद आज ही मैं व्लॉग अपलोड करूँगा, नहीं तो एक व्लॉग मेरा मिस हो गया तो मेरा एक दिन मिस हो जाएगा। तो ये मेरा 107वां व्लॉग मतलब अगले दिन जाएगा, तो एक दिन मेरा मिस हो गया, और मैं मिस नहीं करना चाहता। मैं भी लेज़ी होता हूँ, मुझे भी अंदर से इंटरेस्ट नहीं आता है, बहुत कुछ चीज़ है, लेकिन हमें अपने आप को पुश करना पड़ता है। मैं सिर्फ व्लॉगिंग के लिए नहीं कह रहा हूँ, अगर आप कुछ भी कर रहे हो, कुछ भी इंटरेस्टिंग, या कुछ भी सीखने के लिए आप कुछ भी कर रहे हो, या कुछ गेन करने के लिए आप कर रहे हो, उसके लिए सब एक ही चीज़ है जो आपको सोचना है कि मुझे करना ही है। बस इतना सोच अगर आप डालोगे आपको कोई नहीं रोक सकता, चाहे मुझे इन वीडियोज़ पे व्यूज़ मिले या ना मिले, लेकिन मैं अपना कंसिस्टेंसी को नहीं रोकूंगा। मैं हर दिन कुछ नया सीखूंगा, मुझे मालूम है कि हर दिन मैं कुछ नया सीख रहा हूँ, हर दिन एक कदम मैं आगे बढ़ाऊँगा, और मुझे मालूम है कि आगे जाके मैं उस मंजिल तक पहुँचूँगा, आप भी उस मंजिल तक पहुँचेंगे जहाँ आप पहुँचना चाहते हो। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, और कमेंट भी ज़रूर कीजिएगा। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, होपफुली आपको ये व्लॉग अच्छा लगा रहेगा। मैं बस आप लोगों को थोड़ा इंस्पायर करना चाहता था, क्योंकि मैं अपना जर्नी जो हासिल कर चुका हूँ मैं आप लोग के साथ शेयर करना चाहता था, और बताना चाहता था कि कोई भी 5 कारण या 10 कारण या 50 कारण हो नहीं सकता अगर आप सोचते हो पॉजिटिवली। अगर आप पॉजिटिवली सोचते हो तो कोई भी कारण आपको नहीं रोक सकता आगे बढ़ने के लिए। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं छोटी सी ब्रेक के बाद। धन्यवाद। सत्यमेव जयते।